नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में। गोदान पढ़ रहे थे हम। गोदान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोदान में यथार्थवाद और गोदान में मार्क्सवाद, यानी कि गोदान पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि गोदान में यदि यथार्थवाद है तो किस प्रकार का यथार्थवाद है, उस यथार्थवाद का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेमचंद ने पहले जो भी रचनाएं लिखी उनमें वो आदर्शवादी हुआ करते थे, बाद में प्रेमचंद यथार्थवादी रचना लिखने लगे। और अगर हम गोदान की बात करें तो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में गोदान सबसे यथार्थवादी रचनाओं में से आता है, क्योंकि इसका जो अंत है, इसकी जो शुरुआत है, शुरू से लेकर अंत तक इसमें यथार्थवाद है। कैसे है वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम बात कर लें, निर्मल वर्मा का एक कथन है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि गोदान में भारतीय किसान का वह अंधकारमय भविष्य चित्रित हुआ है जहां किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया। ये देखिए, किसानत्व है, किसानत्व नहीं है। तो यहां पे निर्मल वर्मा कह रहे हैं कि गोदान में भारतीय किसान का जो भविष्य बना दिखाया गया है वो बहुत ही अंधकारमय दिखाया गया है, और ऐसा दिखाया गया है कि एक किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया। बात तो सही है, होरी एक किसान था और किसान से उसको मजदूर बनने पर विवश होना पड़ा। इस उपन्यास में ये दिखाता है कि एक किसान किसानी छोड़कर मजदूरी की तरफ जा रहा है, और मजदूरी की तरफ क्यों जा रहा है। उसका बेटा जो गोबर है वो मिल में मजदूरी कर रहा है और लास्ट समय में इसको भी मजदूरी करना पड़ता है। तो ये क्या कारण थे, ये सब दिखा रहा है कि एक किसान का किसानत्व ही समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें वास्तव में गोदान में यथार्थवाद क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, गोदान में यथार्थवाद शुरू में ही दिखने लगा है और लास्ट में भी दिखता है। अंतिम में जो गोदान में जो अंतिम पेज है, आप समझ सकते हैं, उस पेज को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि गोदान में यथार्थवाद अपने चरम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। शुरुआत में यह है कि होरी और धनिया के जो तीन लड़के दवा के अभाव में मर गए हैं, इस बात की टीस धनिया के मन में हमेशा चलती रहती है। ये दिखाता है कि ये यथार्थवाद है, नहीं तो किसी का बच्चा दवा के अभाव में मर जा रहा है। रचनाकार चाहता तो वहां कुछ और भी कर सकता था, वो दिखा देता कि दवा कोई महान आदमी आता है और दवा दे दिया तो वो क्या हो जाता, आदर्शवाद हो जाता, या फिर डॉक्टर साहब कहते कि चलो मैं फ्री में इलाज कर देता हूं। तो इस तरह की चीजें यदि दिखा दी जाए तो कहा जाएगा कि वो यथार्थवाद नहीं है बल्कि आदर्शवाद है। ठीक है, तो धनिया का मन बार बार ये कहता है कि अगर दवा दारू हो गई होती तो उसके बच्चे भी बच सकते थे। ठीक है, बार बार यहां पे धनिया का विद्रोही स्वभाव भी देखने को मिलता है। उसके मन में बार बार विद्रोह होता है कि जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामत क्यों, ये उसका कथन है। ठीक है, और एकमात्र जो इच्छा रहती है, जो लालसा रहती है, किसकी भाई, होरी की, वो ये रहती है कि वो किसी तरह से एक गाय पाल ले, लेकिन वो गाय भी नहीं पाल पाता है। और अंतिम समय में भी वो ये कहता है कि मेरी जो एकमात्र साध थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। तो होरी हमेशा संघर्ष करता है, उसका संघर्ष जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो उपन्यास जरूर पढ़िएगा आप केवल लेक्चर्स के भरोसे मत रहिए, उपन्यास जो भी है सिलेबस में वो हमको पढ़ना है। संघर्ष करता रहता है और उसकी जो साध है वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। बात कर ले गोदान में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उसका अंत, और उसके अंत में जिस तरह की चीज दिखाई गई है, जिस तरह का यथार्थवाद दिखाया गया है, वो न सिर्फ प्रेमचंद के लिए बल्कि पूरे हिंदी साहित्य में सबसे चरम यथार्थवाद में उसकी गिनती की जाती है। उपन्यास के अंत में क्या होता है भाई, देखो, जीवन भर वो शोषण सह रहा था, जाति बिरादरी मर्जात की बात कर रहा था कि मर्जात कैसे रहे, किसानी में जो मर्जात है वो मजदूरी में कहां, इस तरह की बातें कर रहा था, और अंत में वो लाचार दिखाई देता है। न तो उसका समाज उसके लिए आगे आता है, न तो उसकी जात, न उसकी बिरादरी, कोई भी उस समय काम नहीं आता है। उस समय केवल चाहिए क्या कि पैसा, और आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। अब देखिए, जब वो मरने वाला होता है होरी, तो कहता है मेरा कहां सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं, गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो ये रुपए भी क्रिया कर्म में जाएंगे, रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। देखिए, ये कथन अपने आप में कितना हृदय विदारक है, जब होरी कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पैसा है नहीं कि वो कुछ कर पाएगी धनिया, तो वो कहती है कि मेरा कहां सुना माफ करो, अब मैं मर रहा हूं, एकमात्र लालसा। देखिए, मरते समय भी होरी के मन में एक ही लालसा है, जो पेज नंबर 1 पे जिस गाय का उल्लेख हुआ है कि गाय चाहिए उसको, उसके मन में लालसा है गाय की, और वही पेज नंबर जो लास्ट पेज है वहां पर भी ये बात बताई जा रही है कि एकमात्र लालसा उसकी पूर्ण नहीं हो पाई, और पूरे जीवन वो संघर्ष करता रहा, जाति बिरादरी मेहनत मजदूरी सब कुछ किया, किसानत्व तो छोड़कर मेहनत मजदूरी में आ गया, पर उसकी ये साथ पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाला जो स्टैंजा है, ये जो पैराग्राफ है, ये आप लिखेंगे जब भी आप आंसर लिखेंगे तो। लेकिन अभी समय धनिया की स्थिति क्या है, तो धनिया पहले ही उसके 3 पुत्र मर चुके हैं इसी दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि डॉक्टर को दे पाए।
इस समय भी धनिया की माना स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि उस समय हुआ करती थी जब उसके 3 बच्चे मर गए दवा के अभाव में। यहां पर धनिया के मन में क्या चल रहा है प्रेमचंद ने बताया, इसके बारे में लिखा है प्रेमचंद ने, मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया की आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े थी, आंखों में आंसू गिर रहे थे, क्या करे पैसे नहीं है, नहीं तो किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलाती। मतलब यहां पर यह दिखाया है प्रेमचंद ने कि आर्थिक स्थिति, पैसा बिल्कुल पैसा है ही नहीं इन लोगों के पास, और पैसा नहीं होने की वजह से एक व्यक्ति जिसकी एकमात्र इच्छा थी गाय लेने की वो तो नहीं पूरी हो पाई, अब अंतिम समय में वो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये चरम यथार्थवाद है, ये यथार्थवाद है हिंदी साहित्य में सर्व मतलब सबसे ऊंचे लेवल पे अगर रखें तो इस यथार्थवाद को रखेंगे। आप इसको सोच कर देखिए और पढ़कर देखिएगा उपन्यास। यहां पर अगर प्रेमचंद चाहते तो कहानी के प्लॉट में थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते थे और यहां पर आदर्शवाद दिखा देते कि कोई डॉक्टर अचानक से आता और वो पैसा दे देता, सॉरी वो इलाज कर देता, या कोई महाजन, कोई सुदखोर महाजन ही आता और लास्ट में कह देता कि ठीक है धनिया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये लो पैसा और इसका इलाज कराओ। लेकिन इस तरह की घटना नहीं घट रही है, गोदाम के अंत में आखिर में भी इस तरह की घटना नहीं घट रही है, कोई है ही नहीं जो इस बात को कहने वाला हो। तो यहां पर दिखाया गया है कि कोई हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो सत्य है, कठोर सत्य जो है, वही समाज का सत्य है और वही सत्य प्रेमचंद ने यहां पर दिखाया है। ठीक, यह है प्रेमचंद का चरम यथार्थवाद। आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भी चरम यथार्थवाद यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गोदान में यथार्थवाद जो हमने देखा अभी, ये यथार्थवाद किस तरह का यथार्थवाद है सॉरी, इस पर भी विमर्श चलता है। अब यथार्थवाद के कई प्रकार हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पीछे के लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। यहां पर जो चर्चा चलती है, विद्वानों के बीच में जो मतभेद चलते हैं, वो ये है कि प्रेमचंद का गोदान में जो यथार्थवाद है वो समाजवादी यथार्थवाद है या फिर मार्क्सवादी यथार्थवाद है। अब समाजवाद और मार्क्सवाद में फर्क है, तो यहां पर किस तरह का यथार्थवाद है। जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी यथार्थवाद है, उनका कहना है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और ये समाजवादी विचारधारा का एक संघ था, लेखकों का एक संघ था, जिसके अध्यक्ष भी उस समय प्रेमचंद बनाए गए थे। और गोदान जो लिखी गई है यह भी 1936 की रचना है। तो जो व्यक्ति एक समाजवादी संस्था का अध्यक्ष है, क्या उसके लेखन में समाजवाद का पुट देखने को नहीं मिलेगा? यदि देखने को मिलेगा तो क्या गोदान का यथार्थवाद समाजवाद के यथार्थवाद से प्रेरित नहीं होगा? तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि गोदान का यथार्थवाद समाजवादी यथार्थवाद है। लेकिन एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट है कि महात्मा गांधी के विचारधारा जो है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेमचंद का एक शिफ्ट देखने को मिलता है और वो शिफ्ट होता है समाजवादी, पूर्णता समाजवादी विचारधारा की ओर, जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं उधर जाते हैं प्रेमचंद और प्रगतिशील लेखक की स्थापना हो ही गई है। तो यहां पर कुछ लोग कहते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि समाजवादी यथार्थवाद यहां पर देखने को मिलता है। समाजवाद मतलब समाज में सबको बराबरी। लेकिन जो वहीं पे जो लोग मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि भाई मार्क्सवादी विचारधारा है गोदान में, वो ये कहते हैं कि यहां पर आर्थिक समस्या जो है वो मूल समस्या है। किसानत्व का मजदूरी में बदल जाना ये भी क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक समस्या इसके मूल में है। तो गोदान में आर्थिक समस्या मूल समस्या है। दूसरी चीज, फैक्ट्री मजदूर हड़ताल करते हैं, हालांकि इसका विपक्ष वाले पॉइंट भी हैं, जैसे गोबर जो है वो एक समय बहुत गरीब है भाई, उसके पिता इतने गरीब हैं, वो मजदूरी में चले गए हैं, लेकिन जब वही गोबर मिल में काम करता है और काम करने के पश्चात जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं तो वो स्वयं सूदखोर हो जाता है, सूद पर पैसा चलाने लगता है। तो क्या ये मार्क्सवाद का मूल्य है कि जो व्यक्ति खुद शोषित रहा हो किसी समय में वो आगे चलकर किसी और का शोषण करे? तो ये मार्क्सवादी परंपरा और मार्क्सवादी मूल्यों के विरोध में आ जाता है। दूसरी बात, हड़ताल का जो परिणाम है वो मार्क्सवाद वैसा परिणाम नहीं चाहता है। हालांकि फैक्ट्री मजदूरों का हड़ताल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर लोग कहते हैं कि गोदान का यथार्थवाद मार्क्सवादी यथार्थवाद है, इसको मेन लेके चलते हैं। अब देखिए बात, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मार्क्सवादी में, अभी हम ये भी देखेंगे कि गोदान में मार्क्सवाद किन किन बिंदुओं से स्पष्ट होता है। फिलहाल ये है कि अगर हम ये प्रश्न आए तो हम क्या कहें, तो हम ये कहेंगे कि भाई समाजवाद तो है, ये तो क्लियर है। अब मैंने जो लैंग्वेज लिखा है आपको, ये लैंग्वेज नहीं लिखा है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना होगा। तो समाजवाद तो है ही इसमें, और मार्क्सवाद भी दिख रहा है। मार्क्सवाद कैसे दिख रहा है, ये बिंदु है, समाजवाद के पक्ष में क्या बिंदु है ये भी मैंने बता दिए। तो क्या हम ये कह दें कि पूरी तरह मार्क्सवादी पूरी तरह समाजवादी, तो ये कहना सही नहीं होगा। हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा से जरूर प्रेरित है, मगर ये कहना कि पूरी तरह से गोदान का यथार्थवाद मार्क्सवादी यथार्थवाद है, ये हम नहीं कह सकते हैं। पूरा का पूरा मार्क्सवादी यथार्थवाद नहीं है, कुछ पुट जरूर देखने को मिलता है मार्क्सवादी का, और समाजवादी का भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
अपने सेकंड सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे कि गोदान में मार्क्सवाद, गोदान में मार्क्सवाद है तो किस तरह का मार्क्सवाद है, कैसे हम प्रूफ करें कि मार्क्सवाद है। तो देखिए मार्क्सवाद जो है इसकी विचारधारा क्या है हमको यह समझना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वो विचारधारा गोदान में प्रेमचंद ने कहीं दिखाया है। 1936 की रचना है, आप सबको पता है। इस समय तक मार्क्सवाद को भी राजनीति में एक विकल्प के तौर पर भारत में देखा जा रहा था, पहले मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो पहले से ही था, रूस वगैरह तमाम चीजें, सोशलिज्म और कम्युनिज्म वगैरह की बात हम करते हैं, कम्युनिज्म नहीं सर गलत बोल दिया, हाँ सही है कम्युनिज्म भी देखने को मिलता ही है, तो बाकी सब जगह पे तो है, मगर भारतीय समाज में भी धीरे 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 करके राजनीति में एक विकल्प के रूप में समाजवाद आ रहा था। और यहां पर अब हम बात करें कि मार्क्सवादी विचारधारा कैसे, तो पूरी तरह से मार्क्सवादी नहीं है तो हमने देख लिया, लेकिन मार्क्सवाद की धारणा क्या है और उसके आधार पर प्रेमचंद ने गोदान में क्या 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 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे हम प्रूफ करें। पहली बात, मार्क्सवाद के अनुसार जो है वो धर्म शोषण को वैधता प्रदान करता है, ये वैध ऐसे नहीं लिखा जाता है, वैध ऐसे लिखा जाता है, वैधता प्रदान करता है। अब यहां पर जब ये वैधता प्रदान करता है तो आप इस बारे में समझिए यहां पर कि कैसे प्रेमचंद ने गोदान में इस चीज को दिखाया है। तो गोदान में देखिए सीधे सीधे बात है, मार्क्सवाद क्या कह रहा है कि धर्म जो है वो शोषण को वैधता प्रदान करता है, मतलब धर्म जो शोषक वर्ग है उसके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ता है, ऐसा मार्क्सवाद का मानना है। ठीक है, यहां पर यह कैसे दिखाई देता है, आप गोदान की बात करें तो गोदान में होरी की विचारधारा अलग है और गोबर की विचारधारा अलग है। गोबर विद्रोही मानसिकता का है, होरी क्या कहता है, होरी की मानसिकता है कि भाई देखो जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग हैं, उन्होंने अच्छा काम किया होगा तभी वो लोग बड़े लोग हैं, ऐसा भी मानता है, ऊपर मैंने पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। तो होरी कहता है कि होरी को, होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी, अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता ना होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी, मतलब ब्राह्मण का पैसा लेकर दबाया नहीं जा सकता है, ये यहां पर होरी की मानसिकता है। जबकि गोबर का दृष्टिकोण अलग है, गोबर कहता है कि जो भी धर्म है इसको दान लोग क्यों करते हैं, गोबर का विचारधारा यह है कि लोग इसलिए दान करते हैं ताकि जो उन लोगों ने शोषण करके पैसा लिया है उसको किसी तरह से कहीं धार्मिक कार्य में लगा दें ताकि एक मन को शांति मिल जाए। तो गोबर बिल्कुल विद्रोही स्वभाव का है, वो कहता है कि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें, मतलब कोई भूखे नंगे रहकर भजन नहीं करेगा भगवान का, पैसा है तभी करेगा। दूसरी बात, मार्क्सवाद यह भी मानता है कि सत्ता वर्ग जो है वो शोषण को स्थायित्व प्रदान करता है। अब स्थायित्व प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है तो वो स्थायी रूप से हमेशा शोषण करता रहे, कब करता रहेगा, जब वो स्वयं सत्ता में चला जाए। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति है तो वो शोषण आसानी के साथ कर सकता है, ये मार्क्सवाद का मानना है। ठीक है, और यहां पर भी वही बात है, यहां पर आपको क्या याद रखना है, देखिए यहां पर इस बात का समर्थन करता है रामसेवक। रामसेवक क्या कहता है, ये देखिए ये स्टेटमेंट आप पूरा सुन लीजिए, मैंने पूरा लिखा नहीं है, यहां तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दें तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो, थानेदार और कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल लिखा है, कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद है, मतलब देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि जो सत्ता में है वो शोषण करेगा और उसका अधिकार हो गया है शोषण करना। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, मार्क्सवाद के अनुसार संचार माध्यम ये जो है आर्थिक दबाव के कारण उच्च वर्ग की सहायता करते हैं, भाई कंपटीशन होगा और आर्थिक दबाव आएगा तो आपको जो पैसा दे रहा है उसी की बात आप करेंगे। गोदान में कौन है पत्रकार, तो गोदान में ओंकार नाथ जो व्यक्ति है वो पत्रकार है, और उसके बारे में प्रेमचंद ने यहां पे इसके माध्यम से दिखाया है कि पत्रकार वर्ग कैसा है। ठीक, ओंकार नाथ एक जगह कहता भी है, मैंने भी सोचा कि एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिट जाता नहीं, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूं, मतलब वो पैसा ले रहा है, पैसा खा रहा है, जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा, मतलब जो उच्च वर्ग है वो गरीबों को लूट कर धनी हुआ है और उससे यदि थोड़ा पैसा ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मानता है कौन, ओंकारनाथ। और केवल मेरे ठीक हो जाने से तो सब ठीक नहीं होगा, तो ये बात बता रहा है कि पत्रकार वर्ग जो है संचार का माध्यम है और संचार का माध्यम भी उच्च वर्ग की ही कहीं ना कहीं सहायता करता है, या तो आर्थिक दबाव में आकर करे या फिर आपसी प्रतिद्वंदिता के माध्यम से करे कि एक चैनल है, दूसरा चैनल है, तीसरा अखबार है, तो तीनों में कंपटीशन और उसकी वजह से कौन कंटेंट देगा कैसा, बस वही बात हो जाएगी, आज के समय में आप इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मजदूरों की खराब स्थिति के बारे में दिखाया गया है, हड़ताल के बारे में दिखाया गया है, मजदूरों का शोषण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है, तो यह भी मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाता है। मार्क्सवाद लोकतंत्र का पक्षधर नहीं है, इस बात को याद रखिए कि मार्क्सवाद जो है
इसमें लोकतंत्र का पक्ष नहीं लिया जाता है, ठीक। और यहां पर स्टेटमेंट है मिर्जा खुर्शीद का, ठीक, मिर्जा खुर्शीद का जो स्टेटमेंट है आप इसको याद रखिएगा। देखिए स्टेटमेंट इसलिए आपको याद रखना है ना कि आप जब लिखेंगे कोई भी बिंदु लिख रहे हैं तो उसके बारे में आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए इन सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है बस, तो उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं, जिसके पास रुपया है उसके पास ही सत्ता होगी। इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी अच्छी है पावर में वही बैठेगा। ये बात गोदान में राम सेवक के माध्यम से, सॉरी मिर्जा खुर्शीद के माध्यम से प्रेमचंद कहलवाते हैं और ये प्रूव करता है कि मार्क्सवादी विचारधारा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मार्क्सवाद का पर्याप्त प्रभाव हमने देख लिया जो कि गोदान में है, लेकिन मार्क्सवाद पूरी तरह से नहीं है, ये भी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा है। तो मजदूरों की हड़ताल को दिखाया है इन्होंने, इसके माध्यम से लोग कहते हैं कि भाई मार्क्सवादी है, और सही बात है। मार्क्सवाद क्या है, एक बुर्जुआ वर्ग रहता है जो कि सबको लूटता है, जो कि पूंजीवाद पूंजीपति वर्ग है, और एक दूसरा वर्ग है जो शोषित वर्ग है, जो जिसका शोषण सब करते हैं। तो ये सारी चीजें तो इसमें दिखाई गई हैं, लेकिन यहां पर मजदूरों की हड़ताल विफल हुई। ठीक, कैसे विफल हुई इसके बारे में लास्ट में प्रेमचंद कहते हैं कि मजदूरों की हड़ताल जारी है पर अब उससे मिल मालिकों को कोई विशेष हानि नहीं है, नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं। देखिए यही बात है जो मार्क्सवाद का परिणाम नहीं है। मार्क्सवाद में हड़ताल का मतलब होता है कि जो मजदूर हड़ताल कर रहा है उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यानी कि जिस बात के लिए वो हड़ताल कर रहा है वो मांगे मान ली है, जबकि यहां होता है उल्टा। यहां पर नए कर्मचारी आ जाते हैं काम करने के लिए और वो उससे भी कम वेतन में काम करते हैं, तो अब इससे क्या मिल मालिक को हानि है? भाई जितना वेतन वो दे रहा था पहले उससे कम वेतन पे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो मिल मालिक को यहाँ पे कोई हानि नहीं हो रही है। और मार्क्सवाद इसके खिलाफ है, मार्क्सवाद में हड़ताल का परिणाम ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मार्क्सवाद का प्रभाव तो है प्रेमचंद के लेखन में मगर पूरी तरह से नहीं है। तो कुल मिलाकर बस यही आज का लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9169041691। इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मंथली प्रोग्राम है और इसमें डेली आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी एक क्वेश्चन की, उसके बारे में आप डिटेल से, लेकिन देखिए मैसेज तभी करिएगा जब आप इंटरेस्टेड हो, ऐसे जानकारी के लिए नहीं। सारी जानकारी मैंने यहाँ दे ही दी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।